स्टार्ट करते हैं क्लास 8th चैप्टर 8th सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट थिंग्स अराउंड अस आर आइदर लिविंग और नॉन लिविंग। मतलब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं या तो वो लिविंग हैं या फिर वो नॉन लिविंग हैं। ठीक है, फर्दर यू मे रिकॉल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरी आउट सर्टेन बेसिक फंक्शन। कैन यू लिस्ट दीज फंक्शंस? यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कुछ बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, उनकी बॉडी में बेसिक फंक्शंस होते हैं जो वो करते हैं। क्या आप उन फंक्शंस को लिस्ट कर सकते हैं? आप एक जगह लिख सकते हैं कि वो क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं? डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्गन परफॉर्म इन द वेरियस फंक्शन यू हैव लिस्टेड। यानी कि जितने भी अलग अलग तरह के ऑर्गन्स हैं या ऑर्गन के सेट हैं, जो ऑर्गन का ग्रुप है, वो अलग फंक्शंस परफॉर्म करता है, जितने भी आपने लिखे हैं। इन दिस चैप्टर यू शैल लर्न अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गन विच इज द सेल। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किसी भी मतलब ऑर्गन की बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। देखो, जैसे कि एक घर बनता है तो वो किससे बनता है? ईंटों से बनता है या फिर बहुत ही छोटी छोटी चीजों से बनता है। तो एक ईंट, अगर एक घर जो पूरा ईंट से बना हुआ है, तो उसकी पहली यूनिट यानी कि एक छोटी सी ब्रिक जो है वो हम उसको स्ट्रक्चरल यूनिट बोलेंगे। ठीक है, तो हमारी बॉडी में वो कौन होता है? वो सेल होता है। सेल में भी कंपेयर टू ब्रिक्स, ब्रिक्स आर असेंबल्ड टू मेक अ बिल्डिंग। सिमिलरली सेल्स आर असेंबल्ड टू मेक द बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म। उसने क्या बोला? सेल्स को हम ब्रिक्स से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ब्रिक्स को हम एक साथ असेंबल करते हैं ताकि पूरी की पूरी बिल्डिंग बने। उसी तरह से सेल्स को हम असेंबल करते हैं ताकि क्या हो, पूरी की पूरी बॉडी बने किसी भी ऑर्गेनिजम्स की, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म की पूरी एक बॉडी प्रिपेयर हो जाए। नाउ वी विल स्टडी अबाउट डिस्कवरी ऑफ द सेल, कि सेल की डिस्कवरी कैसी हुई थी। देखो, एक बहुत ही फेमस नाम है रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने 1665 में स्लाइसेस, मतलब उसने क्या किया था, छोटी छोटी पतली पतली लेयर्स थी वो देखी थी कॉर्क की। ठीक है, यहाँ पे उसने लिखा है कॉर्क की उसने पतली पतली स्लाइसेस देखी एक मैग्नीफाइंग डिवाइस से। मैग्नीफाइंग डिवाइस से क्या होता है, कोई भी चीज़ आप थोड़ा सा बड़ा करके देख सकते हो। आपको साइंस में भी दिखेगा कि मैग्नीफाइंग लेंस होते हैं जिससे कोई भी चीज़ बड़ी होकर दिख जाती है। कॉर्क इज अ पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ अ ट्री। अब ये कॉर्क क्या होता है, ये एक ट्री का पार्ट होता है, मतलब बार्क जो होती है ना, तना जो होता है उसका एक छोटा सा पार्ट होता है कॉर्क। ठीक है, ही टुक थिन स्लाइसेस ऑफ कॉर्क एंड ऑब्जर्व देम अंडर अ माइक्रोस्कोप। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पतली पतली स्लाइसेस को देखा कॉर्क की और उसको किसके अंडर रख के देखा, माइक्रोस्कोप के अंडर। ही नोटिस पार्टीशन बॉक्सेस और कंपार्टमेंट इन द कॉर्क स्लाइस। अगर आप यहाँ बहुत ध्यान से देखें, आपको दिखेगा कि बहुत सारे पार्टीशन हुए हैं छोटे छोटे से। ठीक है, एक जालीदार स्ट्रक्चर आपको दिखेगा कि इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, तो उसने उसको पार्टीशन बोला है कि जब उसने उसको देखा तो उसको एक पार्टीशन स्ट्रक्चर दिखा या फिर एक बॉक्सेस दिखे जो कॉर्क के स्लाइस के कंपार्टमेंट में उसको देखने को मिले। ठीक है, दीज बॉक्सेस अपीयर्ड लाइक हनी कॉम। अब अच्छा, आपने मधुमक्खी का अगर छत्ता देखा हो तो आपको दिखेगा कि वो इस टाइप से नेट, जैसे ये स्ट्रक्चर है ना, ये वाला वैसा स्ट्रक्चर होता है। ही ऑल्सो नोटिस दैट वन बॉक्स वर सेपरेटेड फ्रॉम द अदर बाय अ वॉल और पार्टीशन। उसने ये भी देखा कि एक बॉक्स जो है वो दूसरे से सेपरेट हुआ हुआ है किसके थ्रू, पार्टीशन के थ्रू। मतलब कि अगर आप देखोगे कि बॉक्स है वो दूसरे, एक बॉक्स के साथ दूसरी बॉक्स है, बीच में एक वॉल है। हुक कॉइन द टर्म सेल्स फॉर ईच बॉक्स। अब हुक ने क्या किया, उन्होंने हर टर्म मतलब हर एक बॉक्स को नाम दे दिया सेल। ठीक है, वॉट हुक ऑब्जर्व्ड एज बॉक्सेज और सेल इन द कॉर्क वर एक्चुअली डेड सेल। जो उन्होंने ऑब्जर्व किया था, छोटे छोटे से बॉक्सेज जो उनको लगे वो एक्चुअली में क्या थे, वो डेड सेल्स थे। सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुड बी ऑब्जर्व्ड ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप्स। एक्चुअली में जो पता चला कि सेल्स कैसे होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल्स जो मिलने शुरू हुए, वो कैसे मिलने शुरू हुए, डिस्कवरी ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप, अच्छे माइक्रोस्कोप की खोज के बाद मिलने शुरू हुए। वेरी लिटिल वॉज नोन अबाउट द सेल फॉर द नेक्स्ट 150 ईयर्स आफ्टर रॉबर्ट हुक ऑब्जर्वेशन। लाइक स्टार्टिंग तो उन्होंने कर दी थी, लेकिन एक्चुअली बहुत कुछ नहीं पता चला था और बहुत बहुत कम ही उसके ऊपर वर्क हुआ, बिकॉज इतने अच्छे माइक्रोस्कोप वगैरह नहीं थे। टुडे वी नो अ लॉट अबाउट सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन बिकॉज ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप हैविंग हाई मैग्निफिकेशन। आज अगर हमें इतना कुछ पता है कि सेल ऐसा होता है, उसके अंदर ये चीज़ें होती हैं, तो वो किस वजह से, इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप, जो अच्छे माइक्रोस्कोप्स हैं उनकी वजह से। ठीक है, जिनकी मैग्निफिकेशन पावर काफ़ी अच्छी होती है, उसकी वजह से आजकल हमें सब कुछ पता है कि इस तरह से
ये चीज़ होती है सेल के अंदर, ये होता है। नाउ लेट स्टार्ट विद द सेल, ठीक है, हम सेल से स्टार्ट करेंगे पढ़ना। ब्रिक्स इन अ बिल्डिंग एंड सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। अगर एक बिल्डिंग की ब्रिक्स की बात करूँ, ईंटों की, और अगर सेल की बात करूँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, दोनों ही बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है, बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर है, जिससे जिसको मिला के पूरा एक स्ट्रक्चर बनता है। द बिल्डिंग्स दो बिल्ट ऑफ सिमिलर ब्रिक्स हैव डिफरेंट डिज़ाइन शेप्स एंड साइज़। जैसे कि अगर मैं बात करूँ ब्रिक्स की, चाहे वो सब सेम ब्रिक से बनती हो, ठीक है, क्या लिखा है कि चाहे एक बिल्डिंग है वो सेम ब्रिक से बनती है, लेकिन वो अलग अलग डिज़ाइन शेप और साइज़ की बिल्डिंग बन सकती है, ठीक है, एक ही तरह की ब्रिक से अलग अलग शेप साइज डिज़ाइन बन सकता है। उसी तरह से लिविंग वर्ल्ड में अगर हम बायोलॉजिकली टर्म में बात करें तो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट होते हैं, लेकिन सबके सब किससे बने होते हैं, दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स। सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर अनलाइक नॉन लिविंग ब्रिक्स। जो सेल्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, लेकिन जैसे कि यहाँ पे क्या है, जो ब्रिक है वो एक नॉन लिविंग ब्रिक है, ठीक है, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, लेकिन ये इनके साथ नहीं होता, ये लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं। अब उसने क्या बोला, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, ब्रिक वॉल पतली पतली ईंटों से पूरा बनाया, वैसी अनियन पील जिसमें ये एक जो है ना, अगर मैं हिसाब लगाऊं तो ये जो एक है ये एक सेल है, ये एक है, ठीक है, ये एक है, ये एक है, ये एक है, इन सब ने मिला मिला के पूरा एक सब कुछ इंडिविजुअली देखो तो ये बहुत ही अलग अलग है। द एग ऑफ अ हैन रिप्रेजेंट अ सिंगल सेल एंड इज बिग इनफ टू बी सीन बाय द अनएडेड आइज। यहाँ पे एक क्वेश्चन था, अ हैन्स एग कैन बी सीन इजिली, इज इट अ सेल और अ ग्रुप ऑफ सेल। कि जो एक मतलब कि उसने पूछा कि जो हैन का एग होता है, मुर्गी का जो अंडा होता है, उसको हम अपनी नेकेड आईज से बिना कुछ मैग्नीफाई लेंस के चश्मा पहने हुए देख सकते हैं, तो क्या वो रिप्रेजेंट करता है। तो उसने बोला द एग ऑफ अ हैन रिप्रेजेंट अ सिंगल सेल, ये जो एग होता है वो एक सिंगल सेल रिप्रेजेंट करता है और उसको हम अपनी अनएडिड आईज से किसी भी चीज़ के बिना देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट करते हैं, ऑर्गेनिज्म शो वेराइटी इन सेल नंबर शेप एंड साइज। कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका सेल नंबर, जितने सेल उनके अंदर हैं उनकी शेप और उनका साइज सब अलग है। हाउ डू साइंटिस्ट ऑब्जर्व एंड स्टडी द लिविंग सेल्स। जो साइंटिस्ट होते हैं वो कैसे ऑब्जर्व करते हैं और कैसे पढ़ते हैं लिविंग सेल के बारे में, दे यूज माइक्रोस्कोप विच मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट्स। वो क्या यूज करते हैं, वो माइक्रोस्कोप यूज करते हैं जिससे चीजें मैग्नीफाई हो जाती हैं, बेटर दिखती हैं। स्टेन्स यानी कि डाइज भी यूज होती हैं किसी भी सेल के पार्ट को कलर करने के लिए, ताकि उसका डिटेल स्ट्रक्चर हम देख पाएं। कभी भी आप नोटिस करना कि अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हो तो थोड़ा सा उसको डाई वगैरह के साथ लगा के देखते हैं ताकि वो स्ट्रक्चर अच्छा देखे। देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइजेस, देयर ऑर्गन्स ऑल्सो वेरी इन शेप साइज एंड नंबर ऑफ सेल, लेट अस स्टडी अबाउट सम ऑफ देम। मतलब कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सबका साइज, सबकी शेप, सब कुछ डिफरेंट है, ठीक है, उनका शेप साइज और नंबर बहुत ही अलग अलग है। अब हम उनके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, नंबर ऑफ सेल से स्टार्ट करते हैं। कैन यू गेस द नंबर ऑफ सेल्स इन अ टॉल ट्री और इन अ ह्यूज एनिमल लाइक द एलिफेंट। यानी कि क्या आप नंबर ऑफ सेल बता सकते हैं कितने होंगे एक एनिमल, जैसे कि एलिफेंट जैसे एनिमल में। द नंबर रन्स इनटू बिलियंस एंड ट्रिलियंस, यानी कि अगर आप काउंट करने पे आए सेल को तो वो बिलियंस में चला जाएगा या ट्रिलियंस में, मतलब बहुत ही ज्यादा सेल्स होते हैं। ह्यूमन बॉडी हैज ट्रिलियंस ऑफ सेल, मतलब करोड़ों खरबों जिसे कहना चाहिए, उतने उनके क्या कहते हैं बॉडी में सेल्स होते हैं, विच वेरी इन शेप्स एंड साइजेस, और हर तरह का सेल एक दूसरे से अलग होता है। डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ फंक्शन, यानी कि सेल्स जो होते हैं वो अलग अलग ग्रुप में मिलके अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अ बिलियन इज अ थाउजेंड मिलियन, अ ट्रिलियन इज अ थाउजेंड मिलियन। ताकि आपको बिलियन और ट्रिलियन समझ में आए तो उन्होंने थोड़ा डिटेल में लिख दिया है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ठीक है, मतलब बहुत ही ज्यादा है, आपको याद नहीं रखना है कि कितना है, जस्ट आपको आइडिया होना चाहिए कि कितने सारे सेल्स किसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नाउ अब हम पढ़ेंगे, ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मोर देन वन सेल्स आर कॉल्ड मल्टी सेल्यूलर। यानी कि जिस ऑर्गेनिजम्स में एक से ज़्यादा सेल होते हैं और जो एक ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा सेल से मिलके बना है उसको हम मल्टी सेल्यूलर बोलते हैं, ठीक है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हम उनको बोलते हैं। द नंबर ऑफ सेल्स बीइंग लेस इन स्मॉलर ऑर्गेनिज्म डज नॉट इन एनी वे अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यानी कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ सेल कम है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी फंक्शनिंग या जिस तरह से वो फंक्शन कर रहा है वो अफेक्ट होगा। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट एन ऑर्गेनिज्म
नाउ यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट एन ऑर्गेनिज्म विद बिलियंस ऑफ सेल बिगिन्स लाइफ एज अ सिंगल सेल विच इज फर्टिल विच इज द फर्टिलाइज्ड एग. मतलब कि जो भी ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर बिलियंस ऑफ सेल हैं, उसने अपनी लाइफ की स्टार्टिंग एक सिंगल सेल से की थी जो एक फर्टिलाइज्ड एग था. ठीक है. फर्टिलाइज्ड एग सेल्स मल्टीप्लाई एंड द नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेज एज डेवलपमेंट प्रोसीड. यानी कि जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं और पूरा का पूरा जो भी बॉडी स्ट्रक्चर है उसके अंदर सेल्स की क्वांटिटी बढ़ती जाती है. ठीक है. बोथ ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल. अब यहाँ पे ए और बी, ये जो दिखा रखा है आपका ए ये रहा और आपका बी ये रहा. ठीक है. इसने बोला कि दोनों के दोनों किससे बने हैं, दोनों के दोनों आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल. द सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड यूनिसेल्यूलर. अगर हम बात करें सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, यूनिसेल्यूलर, क्योंकि उनके अंदर एक सेल होता है. यूनि मतलब वन और सेल्यूलर मतलब सेल. ठीक है. नाउ दीज आर कॉल्ड यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म परफॉर्म ऑल द नेसेसरी फंक्शन दैट मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म्स परफॉर्म. यानी कि एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो होता है वो सारे फंक्शन परफॉर्म करता है जो एक मल्टी सेल्यूलर परफॉर्म करता है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. ठीक है. अब ध्यान से देखो, अगर एक सिंगल सेल, यहाँ पे मतलब मेन ये है कि सेल से फर्क नहीं पड़ता, दोनों के दोनों जो काम करेंगे वो सेम करेंगे. अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमेबा, अगर हम अमेबा का एग्जाम्पल लें, वो कैप्चर करता है और डाइजेस्ट करता है फूड को, यानी फूड को डाइजेस्ट करेगा, कैप्चर करेगा, रेस्पायर करेगा यानी ब्रीथिंग करेगा, एक्सक्रीट करेगा यानी वेस्ट मटेरियल निकालेगा, ग्रो करेगा और रिप्रोड्यूस करेगा. सिमिलर फंक्शंस इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैरीड आउट बाय ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज सेल फॉर्मिंग डिफरेंट टिश्यूज. टिश्यू इन टर्म फॉर्म ऑर्गन्स. देखो बात यह है कि जितने भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर एक सेल है उसके अंदर भी सेम फंक्शंस होंगे, और जो बहुत सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स हैं उसके अंदर भी सेम फंक्शंस होंगे. लेकिन अब डिफरेंस कहाँ पे आता है कि वहाँ पे थोड़ा सिंपल प्रोसेस होगा और यहाँ पे बहुत सारे सेल्स मिलके, टिश्यू मिलके काम करेंगे. ठीक है. तो उसने लिखा है कि वो किससे काम करवाते हैं, डिफरेंट टिश्यूज से. अब एक्टिविटी है, द टीचर में शो अ परमानेंट स्लाइड ऑफ अमेबा एंड पैरामीशियम अंडर अ माइक्रोस्कोप. ऑल्टरनेटिवली द टीचर कैन कलेक्ट पॉन्ड वाटर एंड शो दीज ऑर्गेनिज्म बाय प्रिपेयरिंग द स्लाइड्स. यानी कि टीचर क्या कर सकते हैं, एक परमानेंट स्लाइड. परमानेंट स्लाइड क्या होती है, उसको बनाने की जरूरत नहीं होती बार बार, आप उसको नीचे माइक्रोस्कोप के नीचे रखो और आप उनको दिखा सकते हो बच्चों को. ठीक है, कि ये अमेबा है, ये पैरामीशियम है. और उसने क्या बोलता, टीचर क्या कर सकते हैं, पॉन्ड वाटर कलेक्ट करके, क्योंकि वहां पर ये पाए जाते हैं वहां पर भी ये कर सकते हैं. ठीक है. नाउ स्टार्ट विद द शेप ऑफ सेल. रेफर टू फिगर 8.3. यहाँ पे उसने क्या बोला, 8.3 को आप देखो, 8.3 बी को, ये वाला पार्ट जो पैरामीशियम का है. हाउ डू यू डिफाइन द शेप ऑफ अमेबा इन द फिगर. देखो पहले ए की बात हुई है, ए को देखो और एक और बी भी है, तो कह रहा है कि आप ए को देखो, अब आप अमेबा की शेप को कैसे डिफाइन करोगे. यू मे से दैट द शेप अपीयर्स इरेगुलर. आप अगर देखोगे तो आप कहोगे कि अमेबा की शेप थोड़ी सी इरेगुलर लगी. इनफैक्ट अमेबा हैज़ नो डेफिनाइट शेप अनलाइक अदर ऑर्गेनिज्म. बल्कि अमेबा जो है उसकी कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती, यानी ये ऐसी टेढ़ी मेढ़ी शेप है, उसकी कोई ऐसी फिक्स शेप नहीं है जैसे कि और ऑर्गेनिज्म्स की होती है. इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप, यानी कि वो अपनी शेप चेंज करता रहता है. ठीक है. ऑब्जर्व द प्रोजेक्शन ऑफ वेरिंग लेंथ प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ इट्स बॉडी. यानी कि ये जो लेंथ निकल रही है ना, जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये आप देख पा रहे हैं या ये देख पा रहे हैं, ये जो लेंथ अलग अलग टाइप की निकल रही है इसको आप देखिए. उसके बाद उसने बोला है दीज आर कॉल्ड सूडोफोडिया, यानी इनको आप बोलोगे सूडोफोडिया. सूडो का मतलब होता है फॉल्स और फोडिया का मतलब फीट, तो सूडोपोडिया आप इसको बोलेंगे. एज यू लर्न इन क्लास 7th, आपने इसके बारे में 7th में भी पढ़ा था. दीज प्रोजेक्शन अपीयर एंड डिसअपियर एज अमेबा मूव्स और फीट. ये आते भी हैं, दिखते भी रहते हैं और कई बार डिसअपियर हो जाते हैं. अपीयर और डिसअपियर मतलब दिखते हैं फिर गायब हो जाते हैं जैसे ही अमेबा मूव करते. नाउ द चेंज इन शेप इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सूडोफोडिया विच फैसिलेट मूवमेंट एंड हेल्प इन कैप्चरिंग फूड. देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन दे रखा है कि सूडोफोडिया का फंक्शन क्या है. बेसिकली ये हेल्प करता है मूवमेंट में और दूसरा फूड को कैप्चर करने में. ठीक है, फूड कैप्चरिंग में. कहीं खाना दिखता है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक दिखा देती हूँ, जैसे समझ लीजिए ये खाना रखा है. ठीक है, तो सूडोफोडिया ऐसे इसके आसपास इकट्ठे होते हैं. ठीक है, जैसे ये है और फटाफट से इसको पूरा एंगल्फ कर लेते हैं और अंदर ले लेते हैं. तो दैट इज़ हाउ दे कैप्चर फूड. तो यहाँ पे लिखा भी है कि वो हेल्प करता है फूड को कैप्चर करने में. अ वाइट ब्लड सेल दैट इज WBC इन ह्यूमन ब्लड इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ सिंगल सेल. यानी अगर मैं एक और एग्जाम्पल की बात करूँ सिंगल सेल के, तो आप बात कर सकते हैं WBC की. वाइट ब्लड सेल क्या है, सिंगल सेल है. ठीक है, जो कहाँ पाया जाता है, ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है.
बट वाइल डब्ल्यू बी सी इज अ सेल, अमेबा इज अ फुल फ्लेज ऑर्गेनिज्म. डब्ल्यू बी सी एक सेल है, ठीक है, ये पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं है, बॉडी के अंदर पाया जाने वाला सेल है, लेकिन अमेबा पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म है जो अपने आप एग्जिस्ट कर सकता है. डब्ल्यू बी सी को आप बाहर निकाल के बॉडी के रख दोगे वो कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन ये अमेबा अपने आप में एक ऑर्गेनिज्म है. वॉट शेप वुड यू एक्सपेक्ट इन ऑर्गेनिज्म विद मिलियंस ऑफ सेल, यानी उसने बोला कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर बहुत सारे सेल्स हैं तो क्या शेप आप एक्सपेक्ट करेंगे. 8.4 ए में ए बी सी तीन तरह के आपको डायग्राम्स दिखाए गए हैं और ये डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं जो ब्लड में पाए जाते हैं, मसल्स में और नर्व में. देखो ये क्या है, पहला जो है ए वो है रेड ब्लड सेल, ठीक है, बी है मसल सेल और सी है नर्व सेल. ये तीनों की बात हुई है, ये दिखाए गए हैं. जनरली सेल्स आर राउंड, स्फेरिकल और इलोंगेटेड. अगर हम नॉर्मली बात करें तो सेल कैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, ठीक है, राउंड होते हैं या फिर इलोंगेटेड होते हैं. सम सेल्स आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट बोथ एंड्स, कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहुत लंबे होते हैं और पॉइंटेड होते हैं दोनों एंड पे. दे एग्जिबिट अ स्पिंडल शेप, वो क्या करते हैं, स्पिंडल शेप दिखाते हैं. सेल्स समटाइम्स आर क्वाइट लॉन्ग, सम आर ब्रांच लाइक द नर्व सेल और अ न्यूरॉन. सेल क्या होते हैं, कई बार बहुत लंबे होते हैं, जैसे कि नर्व सेल की तरह है, वो ब्रांच भी होते हैं लंबे से, जैसे ये आपको दिख रहा है प्रॉपर ब्रांच और लंबा, तो ये नर्व सेल है. कुछ टाइप के सेल ऐसे भी होते हैं. द नर्व सेल रिसीव एंड ट्रांसफर मैसेजेस, अगर मैं बात करूँ फंक्शन की तो नर्व सेल रिसीव करता है यानी कि मैसेजेस लेता है और ट्रांसफर करता है, इसीलिए हेल्प करता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने में अलग अलग बॉडी पार्ट्स को. नर्व सेल का बहुत इंपॉर्टेंट, ये नर्व सेल जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है बॉडी के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, यानी कि किस तरह से बॉडी पार्ट फंक्शन करेगा किस तरह से नहीं करेगा वो सब ये देखता है. कैन यू गेस विच पार्ट ऑफ द सेल गिव इट्स शेप, अगर आपसे पूछूं कि कौन सा पार्ट है जो उसको शेप देता है तो वो कौन सा होगा, तो यहाँ पे उसने बोला है कंपोनेंट ऑफ द सेल आर एनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन, यानी सेल के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो एक मेम्ब्रेन में बंद होते हैं. दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड शेप टू द सेल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, ये जो मेम्ब्रेन होती है ये ही शेप प्रोवाइड करती है प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी. सेल वॉल इज एन एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल. देखो दो चीजें पढ़ी हमने, ध्यान से सुनना, एक हो गई सेल वॉल और एक हो गई सेल मेम्ब्रेन. देखो सेल मेम्ब्रेन होती है जो शेप प्रोवाइड करती है, लेकिन सेल वॉल एक तरह से उसके ऊपर की कवरिंग है. इट गिव शेप एंड रिजिडिटी टू दीज सेल, अब फंक्शन क्या है इसका, शेप देगी और रिजिडिटी देगी, मतलब वो ढीला ढाला नहीं रहेगा, प्रॉपर फिक्स रहेगा. बैक्टीरियल सेल जो होते हैं उसके अंदर भी सेल वॉल होती है, ठीक है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द साइज ऑफ सेल्स. द साइज ऑफ सेल्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म मे बी एज स्मॉल एज मिलियंथ ऑफ अ मीटर, मतलब एक्चुअली आप उसका अगर साइज निकालने पे आओ बहुत ही छोटा होता. Now, the size of the cell in living organism may be as small as a millionth of a meter or may be as large as the few centimeter. बहुत छोटा भी हो सकता है, थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है. सेंटीमीटर तो फिर भी थोड़ा सा दिखने वाली चीज़ हो गई, माइक्रोमीटर और माइक्रोन बहुत ही छोटा हो गया. However, most of the cells are microscopic in size and are not visible to the unaided eye. मतलब most of the cells जो होते हैं वो microscopic होते हैं, आप उसको microscope की help से ही देख सकते हो और वो बिना कुछ करे, मतलब अगर आपने चश्मा वगैरह या फिर चश्मा कह रही हूँ, अगर आपने किसी चीज़ की help नहीं ली तो आप उसको देख नहीं सकते. They need to be enlarged, आपको उसको enlarge करने की ज़रूरत है या फिर magnify करने की ज़रूरत है एक microscope की help से, ठीक है, तब आप उसको देख पाओगे. जो सबसे छोटा सेल है वो 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर होता है जो कि बैक्टीरिया में होता है, और जो लार्जेस्ट सेल है उसे हम बोलते हैं एग ऑफ द ऑस्ट्रिच. एग, इसको एग को हम सेल क्यों बोलते हैं, एक ही उसके अंदर क्या होता है, गैमेट होता है, उसके बारे में हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बट एग्स को भी हम एक सेल ही बोलते हैं और सबसे बड़ा ऑस्ट्रिच का होता है, ठीक है. अब उसने क्या बोला, एक एक्टिविटी है अगर आप एग खाते हैं तो कर सकते हैं, कि बॉयल अ हेन्स एग, आप एक हेन के एग को बॉयल करिए. रिमूव द शेल, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, उसके ऊपर की शेल ऑब्जर्व कर दी, निकाल दीजिए, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, एक वाइट मटेरियल है जो एक येल्लो पार्ट को सराउंड कर रखा है, ठीक है. वाइट मटेरियल इज एल्ब्यूमिन विच सॉलिडिफाइज ऑन बॉयलिंग, जो ये वाइट मटेरियल होता है ये एल्ब्यूमिन होता है, जो क्या हो जाता है, जो सॉलिडिफाई हो जाता है, मतलब थोड़ा सा वो जम जाता है बॉयलिंग पे. येल्लो पार्ट इज योक, ये जो येल्लो पार्ट होता है वो योक होता है, ये सिंगल सेल का पार्ट है, ठीक है. यू कैन ऑब्जर्व दिस सिंगल सेल विदाउट एनी मैग्नीफाइंग डिवाइस, अगर आपको ये सिंगल सेल देखना है योक तो आपको उसके लिए कोई मैग्नीफाइड डिवाइस की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली उसको देख सकते हो. आर द सेल्स इन एन एलिफेंट लार्जर देन द सेल्स इन अ रेट, अब वो पूछ रहा है कि क्या जो सेल्स एलिफेंट में होते हैं वो बड़े होते हैं या सेल्स जो रेट में होते हैं उनसे. हमेशा ये क्वेश्चन पूछता है, आगे अपने आप ही आंसर देता है, यहाँ यू विल गेट. नाउ द साइज ऑफ द सेल्स हैज नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल और प्लांट,
ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो नोट करने की है कि जो एक्चुअल बॉडी का साइज़ है एनिमल की, उसका कोई रिलेशन नहीं है साइज़ ऑफ द सेल से, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं कि हाथी है तो उसका मतलब जो सेल होगा वो भी बहुत बड़ा होगा, नो उन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द सेल इन द एलिफेंट बी मच बिगर एंड दोज इन अ रैट, मतलब ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो आपका सेल है एलिफेंट में वो ज़्यादा बड़ा हो रैट से। तो आपको अपने आप ही क्वेश्चन मिल गया और अपने आप ही इसका आंसर मिल गया। द साइज ऑफ द सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन, जो साइज है सेल का वो किससे रिलेटेड है, उसके फंक्शन से। जैसे कि नर्व सेल है, अगर हम दोनों में लें एग्जाम्पल, नर्व सेल बोथ इन एलिफेंट एंड रैट आर लॉन्ग इन ब्रांच, दोनों के अंदर रैट हो चाहे एलिफेंट हो लॉन्ग होता है और ब्रांच होता है, ये सेम फंक्शन ही परफॉर्म करते हैं, दैट इज ट्रांसफरिंग मैसेजेस, मैसेजेस ट्रांसफर करने का फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो उसका कोई रिलेशन नहीं है साइज से। तो ये था पार्ट वन चैप्टर 8 क्लास 8 साइंस का, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। आपको इसका सेकेंड पार्ट देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए, या फिर 8th क्लास के और चैप्टर देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं, वरना 8th साइंस प्लेलिस्ट में जाके सेलेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।